हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2000 पर्यावरण के वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा 13वां वीडियो होगा, 13 नंबर का वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 12 वीडियो देख चुके हैं। तो 12 वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। वन लाइनर का मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, साथ साथ में आपका समय सेव हो रहा है, कम टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ऐसी सीरीज है 2000 वन लाइनर ईवीएस के क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप कुछ भी नहीं तैयार करें ईवीएस में, या 2000 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं, तो समझिए आपका 100% आप लोग तैयार कर ले रहे हैं। इसी वजह से ये सीरीज हमने कंटिन्यू की है। साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी के ईवीएस क्वेश्चन प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और ये भी सीरीज साथ में चल रही है। तो चलिए, शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, विकास की यह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, क्या कहा जाता है? धारणी विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने की वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव करती है, कौन सी है? क्लब ऑफ रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इससे सम्मिलित देशों ने भारतीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? एजेंडा। यहाँ पे देखिए, एजेंडा है 21 के नाम से, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रत्यारोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मूल रोम की जो कोशा भित्ति होती है, मूल रोम ये जड़ है तो यहाँ पे मूल रोम निकले होते हैं, तो मूल रोम की जो कोशा भित्ति होती है यानी कि बाहरी जो मूल रोम किससे बना होता है? पूरे पेड़ का जो शरीर है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से। कोशिका को जीव की सजीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, या और भी आसान भाषा में आप कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो ये कोशिका यानी कि अगर ये मूल रोम है तो इस तरीके से कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा पूरा मूल रोम। तो यही कोशिका की जो बाहरी कोशिका भित्ति है, कोशा भित्ति बाहरी परत जो है वो किसकी बनी होती है? उत्तर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, सेल्युलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। जो मूल रोम होते हैं, अभी जड़ के मैंने आपको बताया मूल रोम कौन से हैं, वो मृदा से चिपके होते हैं, किस वजह से? पेक्टिन की वजह से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यावरण अपकर्ष क्या है? मेनली डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, अपकर्ष मतलब कुछ निगेटिव चीज, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी भिन्नता के फलस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन होना, ये सभी पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये इतने पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जैव विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा ये काम करता है, GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब की गई? अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है रियो और समिट
1992 के दौरान इसकी स्थापना की गई वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। UNFCCC के तहत UNFCCC क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। यप से फ्रेमवर्क कन्वेंशन। अब आगे यहाँ पे देखिएगा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत अल्प विकसित देशों को जो अल्प विकसित देश निधि है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड ये कौन उपलब्ध कराता है? GEF। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए स्टैंडर्ड बना करके घुमा के पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई CAP 7 की बैठक माराकेश के प्राप्त निर्देशों के आधार पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था ये कहाँ पर स्थित है? पलाची माड़ा ये स्थित है, उत्तर आपका सही हो जाता है केरल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसका क्या नाम है? उसे और किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपको डिटेल में हमने करवा दिया है। अगले क्वेश्चन पे, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया, क्या पारित किया? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। नेक्स्ट है, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है, परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन के संदर्भ में क्या आता है? द्वितीयक उत्पादकता आती है। जैसे स्वपोषी स्तर का उत्पादन के स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता, परपोषी स्तर के उत्पादन को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? बढ़ती है या घटती है? घटती है ना बढ़ती है? कोई नहीं, तो आपका उत्तर हमेशा सही हो जाएगा, घटती है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे में जब जाती है तो घटती है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास भी हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो जो उसका परिणाम होगा वो क्या क्या हो सकता है? तितली से क्या हो जाता है? पहली बात तो परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। परागण किसे कहते हैं? एक पुष्प से परागकण जो परागकोष में बंद रहते हैं, पुंकेसर में परागकोष होता है, परागकोष के अंदर परागकण होते हैं, तो परागकणों का एक पुष्प से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया, या उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पे, या किसी दूसरे पेड़ के पुष्प पर, लेकिन पेड़ की जात एक ही हो, उस पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो तितलियों का काम है, एक पुष्प पे बैठती है तो उनके पैरों में जो परागकण चिपक जाते हैं वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचकर परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो अगर उनकी संख्या घट जाएगी तो क्या क्या होगा? कुछ पौधों के परागकण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण से बर्रे मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में भी गिरावट हो सकती है। ये कारण हो सकता है, ये परिणाम हो सकता है, कारण नहीं परिणाम हो सकता है। यहाँ पे देखिए, पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। पारिस्थितिकी परस्पर संबंधों का अध्ययन है। किसके संबंधों का अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है।
जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? वो पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, यहां पे देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं कौन से शब्द रखे जाएंगे? जब नाम बदल दिया गया है तो ये होगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक कृषि अन्वेषक हैं मसानोबु फुफुका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है? मसानोबु फुफुका। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया, ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10% नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? 10% का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। इसमें क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। और कितनी ऊर्जा संचित होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या, फिर जनसंख्या से क्या बनता है? समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, फिर उसके बाद भूदृश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किस नाम से? ओइकोलॉजी के नाम से। स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए, ओइकोलॉजी के नाम से इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ये किसने कहा, यह किसने बताया? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, अर्नेस्ट हैकल ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ये किसने कहा? ये यूजीन ओडम ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा, एजी टांसले ने, कब? 1935 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस और माइक्रोकॉस्म किसने कहा? ये आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, फंक्शनल यूनिट के रूप में क्या जाना जाता है, किसे जाना जाता है? उत्तर आपका सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन है। देखिए बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने विकल्प अगर आपके आ जाते हैं तो आप सही मानिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सभी इसके बारे में सत्य कथन है। जितने भी ऑप्शन में आ जाएगा सभी को आपको टिक करना है, सही करना है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, क्या नहीं सही है? यह एक बंद पारितंत्र होता है, ये चीज सही नहीं है, ये खुला पारितंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। आप ब्लास्ट में आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, किस वजह से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से ही हम आगे की वीडियोस तैयार कर पाते हैं। जितना आपका लाइक रहता है, जितना आपका फीडबैक रहता है, जैसा कमेंट रहता है, आप लोग तो शेयर करते हैं नहीं, तो इन सब की वजह से आगे की हम वीडियोस बनाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं फिर इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और यूनिक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।